ज्ञान भाव के भूखे, ये कल हमने सिद्ध करके आपको बताया था। ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें टेंट लगाया जाए, पंडाल लगाया जाए, भगवान बड़े बैठारे जाए, बड़ो सो मंदिर संगमरमर को बनाया हो जाए, तभी भक्ति होगी। भगवान की भक्ति तो कहीं पर भी रह करके भी, किसी भी परिस्थिति में रह करके भी की जा सकती है। हमारे एक संत कहते थे, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे जिस देश में रहो या परिवेश में रहो, गोविंद का गुणान वाद लो, गाओ, कीर्तन करो। भगवान के पास जाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सोना चांदी लेकर जाओ, मेवा फल लेकर के जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे यथा प्रयक्षति। भगवान कहते पत्र हो, पुष्प हो, कुछ ना भी हो, कोई हमसे पूछे महाराज भगवान के लिए बढ़िया उपहार बताओ क्या ले जाए मंदिर में, तो कभी भगवान के घर जाने का मौका मिले और कुछ उपहार लाने का मौका मिले तो कुछ ले जाओ या ना ले जा पाओ, मिठाई ले जाओ या ना ले जाओ, पुष्प ले पाओ या ना ले पाओ, जाना दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहना हम तुम्हारे तुम हमारे। इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता, अपने आप को अर्पण कर देना, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हम लोग सोचते हैं हमने भगवान के ऊपर 1 किलो से फल चढ़ा दे अब जिटन न हो गए, अब फ्री है, अब तो भगवान हमने से ऊपर ही खबा दे। क्या भगवान सेब के भूखे हैं? अद्भुत बात देखना, जो भगवान पूरे संसार को उजाला दे रहा हम उसको दिया दिखा रहे, कितनी विचित्र बात। पूरे संसार को कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज पुंज प्रकाश है, उन भगवान को हम समझते हैं कि भगवान को दीपक दिखाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। बाहर दीपक जले या ना जले, वैसे जलाना तो चाहिए प्रतीकात्मक रूप में, कहीं ऐसा ना हो कि आप बंद कर दो, लेकिन बाहर दीपक जले या ना जले, मन में ज्ञान का दीपक जलना बहुत जरूरी है। हृदय में गुरु ज्ञान का दीपक जलना बहुत जरूरी है। गुरु ज्ञान का दीप प्रज्वलित होगा तो अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं भैया भगवान की भक्ति बड़ी अबरल अद्भुत होती है, तो आप ठाकुर के चरणों में जाओ तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में था प्रयक्षति, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। बुरा ना माने तो हम करोड़ों की बात बोले पागलो, करोड़ों की बात यह है कि भगवान के घर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाओ, कुछ ना हो तो भाव तो लेकर जाओ ही जाओ। जो खाली हाथ जाता है ना, अच्छा जो कुछ लेकर जाता है वो बहुत कुछ लेकर आता है, जो खाली हाथ जाता है वो नाक कान कटाकर आता है। रामायण का एक प्रसंग है महाराज जी, सूपनखा का, खाली हाथ गई थी नाक कान चढ़ाया आई थी दोनों झक। और भागवत का एक प्रसंग है सुदामा जी का, 3 मुट्ठी तंदुल लेकर गए थे, 2 लोकों के राजा बनकर के आए थे। हमारे दादा गुरु जी एक सूत्र और देते थे, काम की बात है, हो सके तो उसको जीवन में नोट कर लेना। दादा गुरु जी कहते थे 4 जगह पर खाली हाथ मत जाओ, मित्र के घर, देश के राजा के यहां मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ हो उपहार स्वरूप, पुष्प हो, फल हो, हम कहते कुछ भी ना हो तो बिल्ल पत्र ले जाओ। हाँ, तो मित्र के घर, देश के राजा के घर, 3रा स्थान बोले गुरु घर, यहां भी कुछ ना कुछ लेकर जाओ। बोले 4था कौन? बोले भगवान का दर। भगवान से पूछो कि प्रभु आपको चाहिए क्या, तो भगवान ने उत्तर गीता में दिया, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप जो लिया सब स्वीकार है, भगवान को तो सब स्वीकार है।